खरगोन जिले में आबकारी विभाग ने कार्यवाही करते हुए 1,64,000 रुपए की अवैध शराब और लहान जब्त किया है। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी दल ने विभिन्न गांवों में कार्यवाही की। आबकारी उप निरीक्षक सचिन भास्कर ने बताया कि ग्राम सुरपाला, पिपरी, गंधाबड़ और असवारिया में कार्यवाही की गई। इस दौरान 7 प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में अलग अलग स्थानों से कुल 190 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की एवं 2500 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर विधिवत सैंपल लेकर नष्ट किया गया। जब्त की गई सामग्रियों की कुल कीमत 1,64,000 रुपए है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज दिनांक को कलेक्टर महोदय खरगोन एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री मनीष खरे के निर्देशानुसार व्रत अब द्वारा सामूहिक रूप से खरगोन व्रत ब में दबिश दी गई, जिसमें कुल 2500 किलोग्राम लहान मौके पर जब्त कर विधिवत सैंपल लेकर नष्ट किया गया एवं 190 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,64,000 रुपये। कहाँ पे ये व्रत खरगोन ब के ग्राम सुरपाला, पीपरी, गंधावड़ एवं असवारिया में कार्रवाई की गई थी। आरोपी भी गिरफ्तार किए? हाँ, इसमें 3 आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के धारा 34(1)(4) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। क्या सुनाम सर? सचिन भास्कर है, आबकारी उप निरीक्षक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।